दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हिमाचल टूरिज्म। जिला शिमला के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नारकंडा में शुक्रवार रात को बर्फबारी हुई। हाटू की पहाड़ियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। इस कारण जिला में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। बर्फ से लोगों को जहां ठंड झेलनी पड़ रही है, वहीं दिसंबर की बर्फ किसानों बागवानों के लिए वरदान साबित होगी। जानकारी के अनुसार रात भर जिला में बारिश और हल्की बर्फबारी का दौर जारी रहा। पर्यटन स्थल नारकंडा के हाटू पीक में तेज बर्फबारी हुई। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार शनिवार को ऊंचे एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और वर्षा की संभावना जताई गई थी। वहीं 13 दिसंबर से मौसम के साफ रहने की संभावनाएं जताई गई हैं। शिमला सहित कई स्थानों पर इस दौरान बारिश भी हुई। इससे अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हुई है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। बर्फबारी होने से नारकंडा बंद हो चुका है और बाया बसंतपुर होकर बसें जा रही हैं। इसके साथ ही रोहडू में 10 लिंक रोड भी बंद हो गए हैं। डोडरा क्वार से संपर्क कट गया है। वहीं शिमला के चाइल्ड की सड़क भी बंद हो चुकी है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला ब्यूरो की रिपोर्ट। ख्वाहिशों के धागे खुलते हैं तो खुलने दे, बेपरवाह चल, न पैरों को रुकने दे, बस जी ले इस पल को। आवाजें जो कभी सुनी ना हो, जगह जो कभी देखी ना हो, ढूंढ तो सही, तलाश तो कर, पता नई मंजिलों का मिल जाएगा। ठहर भी जा, वक्त थोड़ा खुद के साथ भी गुजार, सुकून की छांव जहां सुहानी हो, जहां की खामोशी भी रूहानी हो, दिल जहां आकर कहे कहीं और जाने को दिल ना करे, हिमालय का दिल हिमाचल।